हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में 11th क्लास के टॉपिक डिराइव्ड क्वांटिटीज पर डिस्कस करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटीज, सो कैसी क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज में कंसिडर किया जाता है, यह डिस्कस करने से पहले एक बार इससे जस्ट पहला जो वीडियो इस चैप्टर में हमने तैयार किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज, आप उसे देखें। उस क्लिप में हमने ये डिस्कस किया है कि जब हम एक इंटरनेशनल सिस्टम तैयार करते हैं या जो हमने सिस्टम तैयार किया है एसआई सिस्टम के नाम से, सो उस सिस्टम में हमने 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में कंसिडर किया है, और वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें उस सिस्टम की अदर क्वांटिटीज के टर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए हमने एक सिस्टम तैयार किया क्वांटिटीज का, जिसमें हमने 3 क्वांटिटीज को कंसिडर किया। फिलहाल हम 3 क्वांटिटीज के बेस पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं। सो मान लीजिए वो 3 क्वांटिटीज मास, लेंथ एंड टाइम, और इस सिस्टम को हम एक फंडामेंटल सिस्टम के रूप में जान रहे हैं। इस सिस्टम को फंडामेंटल सिस्टम कहा जा सकता है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि सिस्टम की किसी भी क्वांटिटी को सिस्टम की बाकी 2 क्वांटिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी। अब मान लीजिए मैं इस सिस्टम के बाद एक ऐसी क्वांटिटी पर डिस्कस करूं जो इन क्वांटिटी से एसोसिएटेड हो। जैसे मान लीजिए हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड पे, और हम ये जानते हैं कि स्पीड को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है उस फॉर्मूले में लेंथ नाम की क्वांटिटी को टाइम क्वांटिटी से डिवाइड करके अचीव किया जाता है। सो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए लेंथ और टाइम, इन 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया जाता है इस लिस्ट में से। यानी अगर आपने मास, लेंथ और टाइम, इन 3 क्वांटिटी को यूज करके एक सिस्टम तैयार किया है और उसे फंडामेंटल सिस्टम के रूप में डिफाइन किया है, तो ऐसा डिफाइन करने के बाद अब स्पीड आप फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। सो ऐसी क्वांटिटीज जो किसी डिफाइंड सिस्टम में बनी हुई फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में प्रेजेंट की जाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। सो इस फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिस्टम के ऊपर अब अगर स्पीड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में एक्सप्लेन की जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम डिफाइन करना चाहें एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन को फिजिक्स में डिस्टेंस या लेंथ कह लीजिए। लेंथ फिलहाल यहां पर यह ध्यान रहे कि हम किसी भी क्वांटिटी को यहां पर केवल फंडामेंटल क्वांटिटी से एफिलेट करने के पॉइंट से प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर हम कुछ भी लिखें तो आप उसको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज से ना एसोसिएट करके समझें, क्योंकि ऐसा करने से आपको कंफ्यूजन होगा ऐसा करने से, क्योंकि हम एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के रूप में जानते हैं, और वेलोसिटी के स्पेस पे मैं यहां पर लेंथ और टाइम जैसे टर्म यूज कर रहा हूं। सो इस चैप्टर को पढ़ते समय जब आप डायमेंशनल चैप्टर पढ़ते हैं या जब आप यूनिट्स और क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं सीखते हैं, तो वहां पर आप स्केलर और वेक्टर के पॉइंट से थोड़ा सा हटके काम करें। आप केवल यह समझने की कोशिश करें इस चैप्टर में कि क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी से कनेक्शन क्या है। अगर किसी क्वांटिटी को कोई यूनिट मिली है तो दूसरी क्वांटिटी का यूनिट क्या बन सकता है। सो फिलहाल हम केवल क्वांटिटी के बीच में इंटरकनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस डिस्कशन का स्केलर और वेक्टर थीम से कोई एसोसिएशन नहीं है। नहीं तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसे मैं अगर जनरली प्रेजेंट करता किसी काइनेमेटिकल प्रॉब्लम में, एक्सेलरेशन वेक्टर के रूप में ही प्रेजेंट करता। सो एक्सेलरेशन जिस प्रकार डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में, सो वो तरीके में लेंथ और टाइम को डिनोमिनेटर पर यूज किया जाता है 2 बार। यही वजह है कि इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सो हम देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन नाम की क्वांटिटी को लेंथ और टाइम नाम की क्वांटिटीज की हेल्प से प्रेजेंट किया जा पा रहा है। इसका मतलब इस सिस्टम को डिफाइन करने के बाद एक्सेलरेशन को एक फंडामेंटल क्वांटिटी तो नहीं कंसिडर किया जा सकता, और चूंकि इसे फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से प्रेजेंट किया जा रहा है, सो एक्सेलरेशन को भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी माना जाएगा। सो यहां पर बिल्कुल ध्यान से समझें कि डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में प्रेजेंट किया जाता है, और फंडामेंटल क्वांटिटी
किसी सिस्टम के अंदर डिफाइंड क्वांटिटीज हैं जिन्हें आपस में एक दूसरे से एसोसिएट नहीं किया जा सकता, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिस्टम को अगर हम डिफाइन कर दें एक बार तो फिर उस सिस्टम में कोई भी क्वांटिटी अदर क्वांटिटीज के टर्म में प्रेजेंट नहीं की जा पाएगी उस सिस्टम के अंदर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मास को किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में प्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। मास को अगर हम जनरली देखें तो फोर्स और एक्सेलरेशन मिलके भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फोर्स और एक्सेलरेशन इस सिस्टम के पार्ट नहीं है। यही वजह है कि जब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझते हैं तो किसी सिस्टम से एसोसिएट रह के समझते हैं, आप इंडिपेंडेंटली नहीं उसे जस्टिफाई करते हैं। हाँ, चूंकि हमारा एसआई सिस्टम फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिस्टम के रूप में क्रिएट किया जा चुका है, हम आज की डेट में हमें मालूम है कि जिन सेवन क्वांटिटीज को फंडामेंटल सिस्टम में कंसिडर किया जाता है वो कौन है, तो इस रिफरेंस में एसआई सिस्टम के ऊपर हम अपने स्टेटमेंट को किसी क्वांटिटी के नाम पर डिफाइन करना जानते हैं। यही वजह है कि आज अगर हमसे कोई पूछता है कि क्या लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम बोलते हैं हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी है, और बिना सिस्टम का नाम सुने ही जवाब देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि आप किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी केवल सिस्टम के बेस पे कह सकते हैं। तो यहां पर बाय डिफॉल्ट यह है कि हमारा माइंड एसआई सिस्टम को एक फंडामेंटल क्वांटिटी का सिस्टम मानता है, तो हमसे पूछा गया सिंगल क्वांटिटी पर पूछा गया प्रॉब्लम भी हम इजीली आंसर दे पाते हैं। अगर हमसे कोई कहता है कि मास क्या एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हम बिना सिस्टम के बारे में जाने उसे जवाब देते हैं कि यस इट इज, ऐसा है, हम ये जवाब देते हैं कि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। और हमसे कोई पूछता है कि क्या एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो हमारा जवाब सीधा होता है कि नहीं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। यहां पर ये ध्यान दें कि सिस्टम का नाम नहीं बताया गया है, फिर भी हम ये ऑटो आंसर दे देते हैं। रीजन कि हमारा माइंड सेट है, इस बात को हमने अपने माइंड में एसोसिएट किया हुआ है कि एसआई सिस्टम में सेवन क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में जस्टिफाई किया गया है। अब हमारा माइंड कभी भी किसी प्रॉब्लम पर सोचता है तो यह मान के सोचता है कि एसआई सिस्टम में डिफाइन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है। लेकिन अगर मान लीजिए एक इमेजिनरी सिस्टम की बात की जाए और उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में जिन्हें प्लेस दिया जाए वो क्वांटिटी मान लीजिए ये हो, मास, एक्सेलरेशन एंड टाइम, और इन तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी की लिस्ट में शामिल करने के बाद, और यहां पर ध्यान रहे कि इन तीनों क्वांटिटीज को एक फंडामेंटल सिस्टम के रूप में मैं डिफाइन कर पा रहा हूं जो कि हमारे एसआई सिस्टम से एसोसिएट नहीं है, एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये गलत है। बट अगर आप एसआई सिस्टम से थोड़ा अलग हटके एक वर्चुअल प्रॉब्लम में सोचने की कोशिश करें तो आप देख पाएंगे कि मास को एक्सेलरेशन और टाइम के टर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, एक्सेलरेशन को मास और टाइम मिलकर कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और टाइम को एक्सेलरेशन और मास की हेल्प से कभी नहीं समझाया जा सकेगा। सो इस सिस्टम को भी फंडामेंटल सिस्टम माना जा सकता है, माना नहीं जाता है क्योंकि हम ऐसा इस सिस्टम को फंडामेंटल सिस्टम मानते हैं। बट अगर एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जाए, एक इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे के सामने एग्जाम कई प्रकार की प्रॉब्लम सिचुएशंस अराइज करता है, तो उस सिचुएशन में से ये भी है कि अगर मैं आपसे हाइपोथेटिकली ये बोलूं कि मान लीजिए हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी का सिस्टम ये है और अब इस सिस्टम में बताइए कि लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो आप यहां पर समझें कि चूंकि लेंथ को एक्सेलरेशन और टाइम की हेल्प से प्रेजेंट किया जा सकेगा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर लिख करके चूंकि हम लेंथ को प्रेजेंट कर पाएंगे तो अब इस सिस्टम के डिफाइन होने के बाद लेंथ एक डिराइव्ड क्वांटिटी मानी जाएगी। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखें कि अगर एक वर्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट किया जाएगा कभी एग्जाम में तो आपको थोड़ा सा ऐसा ही सिस्टम से दूर हटके क्वेश्चन के बारे में आइडिया डेवलप करने होंगे। आपको यह समझना होगा कि किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी महज उसका नाम सुन के नहीं कहा जा सकता है। अगर इस सिस्टम का नाम लिए बिना मैं आपसे यह सवाल पूछ लेता कि क्या लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो आपका जवाब होता हाँ सर ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और उसके बाद में आपको सुनाता कि मैंने एक वर्चुअल एक काल्पनिक फंडामेंटल क्वांटिटी के सिस्टम में आपसे क्वेश्चन किया है और वो सिस्टम ये है, तो आपका यह आंसर इस सिस्टम के लिए रॉन्ग हो जाता। So, मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल या डिराइव्ड किसी सिस्टम से एसोसिएट रह के कहा जाता है, और हम
जिन जवाबों को एड्रप्टली आंसर के रूप में सुना देते हैं, ऐसे आंसर जो हम एड्रप्टली सुना देते हैं, नाम सुनते ही हम डिफाइन कर देते हैं, वो इसीलिए कर देते हैं क्योंकि हम हर क्वेश्चन को एसआई सिस्टम से जोड़ के जवाब देते हैं। वो कहना भी सही है, वो भी गलत नहीं है कि हम अपने नॉर्मल किसी भी प्रॉब्लम को एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही समझाएंगे। अगर हमें किसी सिस्टम का नाम नहीं बताया गया है तो पूछा गया कोई भी सवाल हम उसी सिस्टम पे एक्सप्लेन करेंगे जो सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे डिफाइन किया गया है। यानी अगर पूछा जाए कि लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हमारा जवाब हमेशा यस ही होना चाहिए। लेकिन इस जवाब पे स्टिक नहीं रहना है, क्योंकि अगर कभी प्रॉब्लम ऐसा पूछ लिया गया कि इस सिस्टम में क्या लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपको बोलना होगा नहीं, इस सिस्टम के लिए लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि लेंथ एक्सेलरेशन और टाइम का फंक्शन बन सकता है। इस सिस्टम के लिए लेंथ एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको एसोसिएटेड फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिस्टम में डिफाइन की गई क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्लेन किया जा सके। और अगर किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में प्रेजेंट नहीं किया जा पा रहा है, तो फिर ऐसी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी ही कंसिडर की जाएगी। तो इस सिस्टम को फंडामेंटल सिस्टम मानते हुए स्पीड, एक्सेलरेशन और इस तरीके के अगर और भी केस में अराइज करूं, जैसे अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क और फोर्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हम जानते हैं कि फोर्स को मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है, और मास इस फंडामेंटल क्वांटिटी के सिस्टम में डिफाइन की हुई एक क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन को ऑलरेडी एक डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में एक्सप्लेन किया जा चुका है। सो जो क्वांटिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी की हेल्प से प्रेजेंट की जा रही है, वो तो फंडामेंटल नहीं हो सकती। यानी फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और वर्क जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से दिया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जबकि फोर्स को अभी हमने एक डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में जस्टिफाई किया है। सो एक डिराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्लेन किया जाने वाला वर्क भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प से एक्सप्लेन की गई डिराइव्ड क्वांटिटी के टर्म में लिखी जाती हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, जबकि फंडामेंटल क्वांटिटीज का आपस में एक दूसरे से कोई एफिलिएशन नहीं होता है। यानी किसी एक सिस्टम को डिफाइन करने के बाद जब हम किसी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि उसे उस सिस्टम की अदर क्वांटिटीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगी, और उस सिस्टम में एसोसिएट रह के अगर किसी क्वांटिटी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि उस क्वांटिटी को उस सिस्टम की क्वांटिटीज एक्सप्लेन कर सकती हैं, उनके टर्म में उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक क्वांटिटी पर और बात करेंगे, अगर हम मोमेंटम की बात करें यहां पर, तो मोमेंटम नाम से जिस क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी इटसेल्फ लेंथ और टाइम का फंक्शन है। सो मोमेंटम को मास, लेंथ और टाइम तीनों मिलके एक्सप्लेन कर सकते हैं, और चूंकि तीनों मास, लेंथ और टाइम मोमेंटम को एक्सप्लेन कर पाते हैं, इसीलिए मोमेंटम को एक डिराइव्ड क्वांटिटी माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम एसआई सिस्टम की सभी क्वांटिटीज को एसोसिएट करें, हम कंप्लीट एसआई सिस्टम पे बात करें, तो फिर एसआई सिस्टम को डिफाइन करने पर जो क्वांटिटीज की टोटल संख्या होगी वो 7 होगी। उसमें मास, लेंथ और टाइम के अलावा करंट, टेम्परेचर और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कंसिडर किया जाएगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 7th क्वांटिटी के रूप में अमाउंट ऑफ सबस्टेंसेस में इन्वॉल्व होगा। अब अगर हम इस पूरे सिस्टम को फंडामेंटल क्वांटिटी का सिस्टम मान के, एसआई सिस्टम मान के, ये 7 क्वांटिटी का जो एसआई सिस्टम है इसे एक फंडामेंटल क्वांटिटी का सिस्टम कंसिडर करके किसी क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी के रूप में समझाएं, तो बस हमें यही चेक करना होगा कि जिस क्वांटिटी पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्या वो इन 7 क्वांटिटीज के टर्म में प्रेजेंट हो पाएगी। जैसे मान लीजिए इसे, इस फंडामेंटल सिस्टम के लिए अगर हम चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को चेक करें, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसका करंट और टाइम से एसोसिएशन होता है। हम जानते हैं कि चार्ज को करंट और टाइम के प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। यहां पर लिखे गए सभी फॉर्मूले केवल यूनिट एंड डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, सो इनको केवल यूनिट और डायमेंशंस के टर्म में देखा जाए
सो चार्ज को चूंकि करंट और टाइम के टर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है और करंट और टाइम हमारे फंडामेंटल लिस्ट में एसोसिएटेड है, उस लिस्ट में शामिल है दोनों, तो चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी कंसिडर की जाएगी। यानी जो क्वांटिटी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में प्रेजेंट की जाएगी उसे डिराइव्ड क्वांटिटी माना जाएगा। सो ऐसी सभी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में प्रेजेंट की जाती हैं उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी कहा जाता है, जबकि किसी सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो उस सिस्टम के अदर क्वांटिटीज से कोई एफिलेशन नहीं बना पाती। तो इस तरीके से आप डिराइव्ड क्वांटिटी को समझ सकते हैं। पूरे सिलेबस के दौरान 11th में और 12th में हम बहुत सारी क्वांटिटीज को सीखेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो फंडामेंटल क्वांटिटी से एसोसिएटेड है, या ये समझेंगे कि उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटी में क्यों शामिल किया गया है। स्टूडेंट को अभी कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में ही बताया गया है इस क्लिप में, जिन क्वांटिटीज के बारे में उसे आइडिया है वो ऑलरेडी इन क्वांटिटीज का नाम सुन चुका है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो 11th का सिलेबस कंप्लीट होने तक आती रहेंगी। सो जैसे जैसे वो क्वांटिटीज आती जाएंगी तो जिस चैप्टर में भी वो क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी वहां पर हम उनकी यूनिट्स और उनके नेचर कि वो फंडामेंटल है या डिराइव्ड है उससे एसोसिएटेड डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद कुछ और क्वांटिटीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिज्म ब्रांच से एसोसिएट होंगी उन पर डिस्कशन किया जाएगा। सो इस तरीके से आप डिराइव्ड क्वांटिटीज को लगातार 11th 12th के सिलेबस में देखते रहेंगे। थैंक यू।